हेलो एवरीवन वेलकम टू ट्रू एस्पायर आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से तो चलिए हम देखते हैं हमारा फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑप्शन सी कॉज इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स ऑप्शन डी एडवांटेजेस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो सिलेक्शन होता है वेरिएंट्स का बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और इन्वायमेंटल फैक्टर्स क्या होगा जैसे कि टेम्परेचर ये बेसिस होता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस का अगर यूजफुल वेरिएशन होता है तो सरवाइवल की चांसेस ज्यादा होती है ये फिलिंग द ब्लैंक्स है द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाई विच डैश एंड डैश आर रिलायबली इनहेरिटेड ऑप्शन ए है सेप एंड साइज ऑप्शन बी ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स हैविंग सिमिलर जीनोटाइप प्रोड्यूस बाई प्लांट ब्रीडिंग्स आर कॉल्ड क्लोन हैप्लोइड ऑटोपोलिप्लॉइड ऑप्शन डी जीनोम तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लोईन जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब प्लांट्स जो प्रोड्यूस होता है वो मतलब उनका जो जीनो होता है वो आइडेंटिकल होता है और इसे हम क्या कहते हैं क्लोन कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ एलियस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सीड फॉर्मेशन पॉलिनेशन ऑप्शन डी एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गैमेट फॉर्मेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम एक और नाम से जानते हैं और वो क्या है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स इसमें क्या होता है जो एलील होते हैं इच ट्रेट के वो सेग्रीगेट कर जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मायोसिस जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तब एलिलिक पेयर जो है वो सेग्रीगेट कर जाता है मतलब सेपरेट हो जाता है न बी प्रोड्यूस्ड बाई क्रॉसिंग अ प्लांट विथ वाइल्ड वेराइटी ट्रीटिंग विथ कॉलिंग ऑप्शन सी क्रॉसिंग विध हॉर्मोन्स ऑप्शन डी ट्रीटिंग विथ लो टेम्परेचर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रॉसिंग अ प्लांट विथ वाइल्ड वेरायटी अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट ट बोथ द पेरेंट्स हैव कंट्रीब्यूटेड प्रैक्टिकली अमाउंट ऑफ जेनेटिक मेटीरियल टू द चाइल्ड ऑप्शन बी इच ट्रेट विल बी इंफ्लुएंसड बाई बोथ मैटर एंड पेटर डी एन एप्शन सी फॉर इच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन इन इच चाइल्ड ऑप्शन डी ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डैश इज अ सेक्शन ऑफ सेलुलर डीएनए डेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन प्रोजेनी ट्रेट्स जीन हार्मोन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीन जीन क्या होता है ये स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट है और जीन टर्मिनोलॉजी को किसने दिया था जोहानसन ने जीन जो है वो डीएनए का हिस्सा है जहां पे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है चलिए हम इसे एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं मान लीजिए ये डीएनए है और यहां का जो पार्ट है वो किसी प्लांट के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये वाला जो पार्ट है वो लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और नीचे का ये जो पार्ट है ये मान लीजिए सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है तो जीन जो है वो डीएनए का हिस्सा है जहां पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होता है और जब हम इस डीएनए को क्या करते हैं कंडेंस्ड करते हैं प्रोटीन से ये condensed हो गया, तो जब हम डीएनए को प्रोटीन से कंडेंस करते हैं तो जीन भी क्या होता है कंडेंस्ड हो जाता है तब ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है क्रोमोजोम कहलाता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोजोम है वो वेहिकल होता है जीन के लिए जीन अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस करता है मतलब किस प्रोसेस के थ्रू एक्सप्रेस करता है ये आप कमेंट करके बताइए अ प्योर टॉल प्लांट कैन बी डिफ्रेंसिएटेड फ्रॉम अ हाइब्रिड टॉल प्लांट ऑप्शन ए बाई मेजरिंग लेंथ ऑफ प्लांट ऑप्शन बी बाई स्प्रेइंग जिब्रेलिन्स ऑप्शन सी इफ ऑल प्लांट्स आर टॉल आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन ऑप्शन डी इफ ऑल प्लांट्स आर डॉल्ड आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इफ ऑल टॉल प्लांट्स इफ ऑल प्लांट्स आर टॉल आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन एनिमल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ड्यू टू एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम ए क्रोमोजोम बी क्रोमोजोम तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाई क्रोमोजोम फाइनलाइजेशन ऑफ सेक्स एट द टाइम ऑफ जाइोट फॉर्मेशन इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन और ह्यूमंस के पास दो तरह के क्रोमोजोम होते हैं एक एलोसोम जिसे हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं और दूसरा ऑटोसोम होता है द फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाई चार्ल्स डार्विन इन एटीन हंड्रेड नाइन एटीन फिफ्टी नाइन एटीन एटी फाइव एटीन सेवनटी वन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एटीन फिफ्टी नाइन

हमारा f1 जनरेशन जो जो प्रोजेनी है उसमें क्या है कि वो उसके अंदर वायलेट फ्लावर है तो वायलेट फ्लावर के लिए क्या होगा जीनोटाइप कैपिटल w और कैपिटल w लेकिन क्या कह रहा है कि उसका जो लेंथ है वो शॉर्ट है तो शॉर्ट लेंथ के लिए शॉर्ट लेंथ के लिए क्या होगा हमारा हाफ ऑफ देम जो है उसमें शॉर्ट है तो शॉर्ट लाने के लिए उसमें क्या एक स्मॉल टी प्रेजेंट होना चाहिए तो फिर हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी क्योंकि सब शॉर्ट नहीं है हाफ जो है उसमें शॉर्ट है तो टॉल के लिए फिर कैपिटल टी होगा और शॉर्ट के लिए स्मॉल टी तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी अ जीन हैज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेज इट्स कॉल्ड क्रोमोजोम्स

लाइफ बिगिन इन सी लिविंग थिंग्स कॉन्स्टेंटली चेंज ऑप्शन डी लाइफ बिगिन ऑन लैंड तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लिविंग थिंग्स कॉन्स्टेंटली चेंज इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द जेनेटिक कम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑवर सक्सेसिव जनरेशन होमोलोगस स्ट्रक्चर है ओरिजिन बट डी सिमिलर फंक्शन ऑप्शन बी डी सिमिलर ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन ऑप्शन सी डी सिमिलर ओरिजिन बट डिसिमिलर फंक्शंस ऑप्शन डी डिसमिलर ओरिजिन बट डिसमिलर स्ट्रक्चर्स तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिमिलर ओरिजिन बट डी सिमिलर फंक्शन और होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल हो गया जैसे फोर लिम्स ऑफ सम एनिमल्स लाइक वेल्स बैट्स और चीता जो ह्यूमन का आर्म होता है वो होमोलोगस होता है डॉग के लेग से और जो हमारा टिथ है वो एलिफेंट के टस्क से होमोलोगस है मतलब ये सारे जो एग्जाम्पल है वो होमोलोगस ऑर्गेन के एग्जाम्पल है द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वॉज गिवेन बाय डार्बिन हर्बर्ट स्पेंसर मेंडल लेमार्क तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए चूज द ऑर्ड वन आउट कलर वेरिएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ओनली ऑप्शन बी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैव टू कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर द सेम ट्रेड ऑप्शन सी इफ द कॉपीज आर नॉट आइडेंटिकल द ट्रेड दैट गेट एक्सप्रेस

प्लाइका सेमील्यूनेरिस मसल्स, इपिग्लॉटिस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इपिग्लॉटिस वेस्टिजियल का मतलब होता है रिमेन्स वेस्टिजियल ऑर्गन वैसे ऑर्गन होते हैं विच वेर वंस इन यूज बाई आवर एंसेस्टर्स बट नाउ कैन नॉट बी यूज और जो इपिग्लॉटिस है वो फुल्ली फंक्शनल स्ट्रक्चर है जो कि फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है जब हम फूड को स्वेलो करते हैं

बेसिस ऑफ लाइफ वर्फ बाई लेके बहुत सारी थ्योरी है ओपेरिन और हार्डिन ने कहा था कि प्रीमेटिव अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म आई है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है और ये जो थ्यूरी थी वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं थी तो इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया किसने मिलर ने उन्होंने क्या किया एक लिया जिसमें उन्होंने CH4, H2, NH3 और वॉटर वेपर को 800 डिग्री सेल्सियस पे रखा मतलब एक ऐसा कंडीशन उन्होंने क्रिएट किया किया जो सिमिलर है प्रिमेटिव एटमॉस्फेयर के और एक बिग बात क्या हुआ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ एमिनो एसिड्स और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक सुगर नाइट्रोजन बेस पिगमेंट जो है वो फ्लास्क में प्रेजेंट थे थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन देयर इज टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इर इन डीएनएंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑप्शन सी बोथ ए और बी ऑप्शन डी नाइदर ए नॉट बी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए और बी इवोल्यूशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन रिजल्टिंग इन टू फिट रिजल्टमेंट बेटर ऑप्शन बी जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रोवाइडिंग डाइवर्सिटी विदाउट एडेप्टेशन ऑप्शन सी बोथ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑप्शन डी एक्सपीरियंसेस ऑफ डेली लाइफ तो इसका सही आंसर है option c both natural selection and genetic drift according to the new darwinian theory which of the following is responsible for the origin of new species mutation useful variations mutation together with natural selection hybridization this is the answer hai. option c mutation together with natural selection nucleoprotein gave most probably the first sign of life एबिनो एसिड सोइल सुगर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाइफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन विल टू गॉड ऑप्शन सी इफेक्ट ऑफ सन रेज ऑन मर्ड ऑप्शन डी नन ऑफ दी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दी एव क्योंकि जो ओरिजिन क्योंकि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो केमिकल इवोल्यूशन से हुआ है देंजेस इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज कैन नॉट बी पास ऑन द डीएनए जर्म सेल्स कैन नॉट डायरेक्ट इवॉल्यूशन आर द एक्वायर ट्रेट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज वेरिएशन कंबाइंड विथ जियोग्राफिकल आइसोलेशन रिजल्ट इन स्पेशिएशन डोमिनेट ट्रेड रिसेसिव ट्रेड नन ऑफ दीज तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेशिएशन इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट जिसका जीनो टाइप है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई इज क्रॉस्ड विद द रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट इसका जीनो टाइप है स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल कैपिटल द सीड प्रोड्यूस्ड इन जनरेशन आर तो हमारा क्या हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई इसका क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई तो यहां जो हमारा गैमेट बनेगा वो कैपिटल आर स्मॉल वाई और यहां स्मॉल आर कैपिटल वाई जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो क्या जीनो मिलेगा हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो इसका क्या आंसर हो जाएगा राउंड जो है वो डोमिनेंट है येल्लो भी डोमिनेंट है यानी राउंड एंड येल्लो ऑप्शन ए इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोजोम्स आर पेयड परफेक्टली एक्सेप्ट वन दिस अनपेयर्ड क्रोमोजोम इज लार्ज क्रोमोजोम स्मॉल क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम है इसमें आपको चूज करना है ऑप्शन ए कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड ओनली, ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर और ऑप्शन डी है सेकंड एंड फोर्थ तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ ह्यूमन मेल्स में जो सेक्स क्रोमोजोम है वो अनपेयर्ड हो, होता है जहां एक नॉर्मल साइज एक्स क्रोमोजोम होता है और दूसरा शॉर्ट वाई क्रोमोजोम होता है लेकिन वोमेन के पास परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम होते हैं और वो दोनों एक्स होते हैं हमारा अगला सवाल है न्यू स्पीसीज मे बी फॉर्मड इफ डीएनए अंडर गो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल्स क्रोमोजोम नंबर चेंज इन द गैमेट देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल मेटिंग डजेंट टेक प्लेस और इसमें भी नीचे ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड डीएनए अंडर गोज सिग्निफिकेंट चेंज इन जर्म सेल और क्रोमोजोम नंबर चेंजेस इन गैमेट कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड मोर फंडामेंटल डिफरेंसेज इमंग ऑर्गेनिज स पर्टिकुलर फॉर्म आर डिटेल्स ऑफ बिहेवियर पर्टिकुलर फंक्शन आर डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म और फंक्शन डेट डिसाइड मोर फंडामेंटल इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर डिटेलर फॉर्म और डिफरेंसेज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिजाइन न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड ऑप्शन बी यूनि और मल्टी सेलूर ऑप्शन सी स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल टाइप्स एंड टिश्यू ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स ऑप्शन डी अदर फैक्टर्स आल्सो एडिशन टू दिस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अदर फैक्टर्स आल्सो एडिशन टू दीज क्योंकि इसमें जो है हम लोग इवोल्यूशनरी ऑस्पेक्ट को भी देखते हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट होंगे हमारा अगला सवाल है Two pea plants, one with round green seeds and another with wrinkled yellow seeds, produce F1 progeny that have round yellow seeds. When F1 plants are selfed, the F2 progeny will have new combination of characters. Choose the new combination from the following. ये जो क्वेश्चन है वो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस से है। तो सबसे पहले हम जीनोटाइप को लिखते हैं। राउंड ग्रीन सीड इसके लिए है। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई इसका क्रॉस हुआ है स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई और ये क्या है राउंड ग्रीन और ये है रिंकल्ड येलो तो जो एफ वन प्रोजेनिंग होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये कैसा है ये राउंड येलो अब इसका सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का जब हम क्रॉस करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो यहां पे चार तरह का गैमेट का फॉर्मेशन होगा एक तो हमारा होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई तो आप, आपने देखा होगा कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है तो उसमें जो रेशियो दिखाई देता है वो क्या होता है नाइन टू थ्री थ्री वन फिनोटिपिक रेशियो जो है तो नाइन हमारा क्या था उसमें राउंड येलो थ्री जो था राउंड ग्रीन और एक और थ्री जो था वो येलो, रिंकल और एक जो था वो था रिंकल ग्रीन तो पेरेंट्स जो है वो राउंड और ग्रीन है और एक रिंकल येलो है राउंड एंड ग्रीन रिंकल येल्लो तो इन दोनों के अलावा कौन सा नया कैरेक्टर आपको नजर आ रहा है एक तो राउंड येल्लो और दूसरा रिंकल ग्रीन ये नया नजर आया तो किस ऑप्शन में है राउंड येल्लो और रिंकल ग्रीन यानी एक राउंड येल्लो और दूसरा रिंकल ग्रीन यानी वन और फोर तो वन एंड फोर किसमें है ऑप्शन बी में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वन एंड फोर सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिकीन जीफिकॉट कोड इंडिविजुअलर क्रोमोजोम ऑप्शन फोर है इच क्रोमोजोमली वन जीन अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जीन के लिए सही है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी First and third. Gene, genes are a specific sequence of the bases in a DNA molecule. Or, fourth uh, or third, hai, in individuals of a given species, a specific gene is located on a particular chromosome. In a peas, a pure tall plant is crossed with the short plant. The ratio of pure tall plant to short plant in F2 is. तो चलिए इस क्रॉस को हम करके देखते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी इसका क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल टी तो जो एफ वन प्रोजेनी होगा वो क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और जब इसको आप सेल्फ क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी तो फिर आपको चार तरह का जीरो टाइप दिखेगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी तो इसमें पूछ रहा है प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट का रेशियो तो प्योर टॉल कौन सा हो गया कैपिटल टी कैपिटल टी और प्योर शॉर्ट स्मॉल टी स्मॉल टी तो फिर इसका रेशियो क्या हो जाएगा वन इज टू वन क्योंकि एक ही एक मिल रहा है ना तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन सी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैन बी फॉलोड बाई सिमिलर होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट्स कॉमन ओरिजिन इवन इन अपेरेंटली डिफरेंट स्पीसीज

जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस सेल स्ट्रक्चर ओनली प्लांट्स ओनली एनिमल्स तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इेरिटेंस इफ टू पेरेंट्स हैव द जीनो टाइप कैपिटल ए कैपिटल ए क्रॉस विद स्मॉल ए स्मॉल ए द प्रोबेबिलिटी ऑफ है स्मॉल ए जीनो टाइप इन एफ वन जनरेशन इज तो चलिए पहले हम क्रॉस कर लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए

सर्वाइवल एडवांटेज ऑफ इवेंट द इंटरमीडिएट ए न्यूली जेनरेटेड स्पीसीज इलिमिनेट द एग्जिस्टिंग स्पेसीज विल हैव मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन देन द ओलर वन ऑप्शन सी आर फॉन्ड बिकॉज ऑफ नेचुरल सेलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी which of the following would stop evolution by natural selection from occurring option a if humans became extinct because of a disease epidemic option b if a thermonuclear war killed most living organisms and changed the environmental drastically if ozone depletion led to increased ultraviolet radiation which caused many new mutations option d if all individuals

अगर मैरिज आर एच निगेटिव का आर एच पॉजिटिव मैन के साथ होता है तो वहाँ पे मदर जो है वो सेंसिटिव हो जाती है वाइल कैरिंग फर्स्ट आर एच पॉजिटिव चाइल्ड विद इन हर उम्र और इसका रीजन क्या है कुछ जो आरबीसीज डेवलपिंग एम्ब्रियो का होता है वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है जिसकी वजह से एंटी आर एच एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होने लगता है और फर्स्ट चाइल्ड तो नॉर्मली डिलीवर हो जाता है मगर मदर अगर फिर से प्रेग्नेंट होती है देन आर एच पॉजिटिव टू एंटी आर एच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाई द मदर और इससे जो डेवलपिंग इम्ब्रियो है उसका जो रेड ब्लड सेल है वो डैमेज हो जाता है जिसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस कहते हैं पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स बोन्स बर्ड्स इम्ब्रियो तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फॉसिल्स द जनरेशन ऑफ डायवर्सिटी एंड द शेपिंग ऑफ डायवर्सिटी बाई इन्वायरमेंटलूशन डाइवर्सिटी हेरिडिटी ऑल ऑफ दीज तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इन स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग इंडिकेट्स डेट ऑल ह्यूमन बिलोंग टू अलसीज डेट इवॉल्व इन अफ्रीका एंड स्प्रीड अक्रॉस दर्ल्ड इन स्टेजेस ऑप्शन बी द डिफरेंस इन कलर साइज एंड लुक्स इज द रिजल्ट ऑफ इन्वॉर्मेंटल चेंजेस ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग दर इन करेक्ट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए सिग्निफिकेंट चेंज इन जर्म सेल्स ऑप्शन सेकेंड है क्रोमोजोम नंबर चेंज इन द गैमेट तीसरा स्टेटमेंट है देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल और फोर्थ है मेटिंग डज नॉट टेक्स प्लेस तो आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है तो इसका आंसर होगा थर्ड देर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल और फोर मेटिंग डज नॉट टेक्स प्लेस यानी ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फोर लिम्स विद सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एज द मैमल्स बर्ड रेप्टाइल्स एम्फीबियंस ऑल द थ्री तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल द थ्री बर्ड्स एंड बैट्स है आर्म ऑप्शन बी स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ देयर विंग्स आर वेरी डिफरेंट ऑप्शन सी दे लुक सिमिलर बिकॉज दे हैव कॉमन यूज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज

टोटल नंबर ऑफ सीड्स हंड्रेड फिफ्टी सिक्स यहाँ पे क्रॉस बताया गया है उसमें आपको बताना है ए बी सी डी इसमें जो ऑप्शन है वो uh, किस, uh, कौन सा करेक्ट है तो क्रॉस जो है वो है येलो एंड राउंड सीड से तो चलिए सबसे पहले हम जीनो टाइप लिखते हैं तो येलो एंड राउंड सीड के लिए जो हमारा जीनो टाइप होगा वो क्या होगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं दूसरा है ग्रीन एंड रिंकल सीड स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर यहां पे येलो और राउंड सीड तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर अब इसको सेल्फ करना है मतलब ये फिर से हाइब्रिड क्रॉस का ही क्वेश्चन है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप फिनोटिपिक रेशियो को लिखिए तो रेशियो जो है वो डाई क्रॉस के लिए जिसमें नाइन जो है राउंड येलो थ्री राउंड ग्रीन ये Wrinkled yellow और वन जो है वो रिंकल्ड ग्रीन मतलब wrinkled ग्रीन जो है वो सबसे कम बन रहा है तो आप देखिए कौन सा है wrinkled ग्रीन के लिए डी है ये सबसे कम होना चाहिए तो सबसे कम किसमें है डी ऑप्शन सी में यहाँ पे थर्टी टू है और सबसे ज्यादा राउंड येलो ये नाइन बन रहा है तो राउंड येलो के लिए कौन सा है ए यानी सबसे ज्यादा ये बनना चाहिए यानी थ्री वन फाइव तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा सही होगा वैसे क्रॉस करने में बहुत टाइम लग जाता है आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं